वेल टेलीविजन के इस बड़े एक्टर ने दुनिया को अलविदा कह दिया महज 41 इयर्स की उम्र में। जी हाँ, बस इतनी सी छोटी उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, जहाँ पे अब इस दुनिया में वो नहीं रहे और उनके पीछे उन्होंने अपनी एक साल की छोटी सी मासूम सी जान और उनकी बीवी, उनके परिवार को यूँ ही अकेला छोड़ भगवान के पास निकल गए। वेल, बात कर रही हूँ भाभी जी घर पे है कि बहुत ही पॉपुलर एक्टर जिन्होंने काफ़ी लंबे समय से जो है उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना पैर बहुत ही स्ट्रांगली बना रखा था। जी हाँ, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ दीपेश भान की, जिन्होंने इस दुनिया को एक बहुत ही शॉकिंग वे में अलविदा कह दिया। आपको बता दें कि मलखान का कैरेक्टर उन्होंने इस सीरियल में काफ़ी लंबे समय से वो अदा करते आ रहे थे और उनके कॉलीग्स को, उनके परिवार को, उनके फैंस को और महज सोशल मीडिया पर जो जो उनके साथ कनेक्टेड थे उन सबको एक बहुत ही गहरा सदमा लग गया, जिनकी कभी भी कोई भी बुरी आदतें नहीं थी, ना कभी स्मोक करते थे, ना कभी ड्रिंक करते थे और उनका व्यवहार भी उनके हर एक सीरियल के सेट पे पसंद किया जाता था। इन्हें FIR में भी देखा जाता था और कविता कौशिक ने अपने सोशल मीडिया पर उनके बारे में दीपेश जी के बारे में एक बड़ी बात कही और कहा कि आई एम इन कम्प्लीट शॉक, गटेड, पेंड विद द न्यूज़ ऑफ दीपेश भान पासिंग अवे। 41 इयर्स के उम्र में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कास्ट मेंबर थे FIR के, सुपर फिट गाय जो कभी ना पीते थे, ना कभी स्मोक करते थे, ऐसा कुछ भी नहीं करते थे जिससे उनके हेल्थ को कभी भी हार्म हो। उन्होंने अपनी वाइफ और एक साल के बच्चे को और उनके पेरेंट्स को और हम सबको अकेला छोड़ दिया। आई रिमेंबर द लव एंड रिस्पेक्ट ही शॉवर्ड ऑन ईच एंड एवरी वन ही मेट, हर एक पर्सन से जिन जिन से वो मिलते थे उन सभी को वो ढेर सारा प्यार, आदर, सम्मान देते थे। एंड अब मुझे विश्वास हो गया है कि भगवान जी सिर्फ अच्छे लोगों को ही अपने पास जल्दी बुला लेते हैं। टू हार्ट ब्रोकन टू प्रोसेस दिस, इट्स अ डार्क डे, रेस्ट इन पीस दीपू। इस तरीके से जो है दीपेश भान के बारे में कहते हुए FIR की उनकी जो कॉलीग थी, कास्ट मेंबर थी कविता कौशिक ने भी सोशल मीडिया पर अपना शोक जताया है। हम भी यही कहेंगे कि दीपेश भान की आत्मा को शांति मिले, ओम शांति, और उनके परिवार को इस बुरे समय से बाहर निकलने के लिए ताकत मिले।